हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आप देख रहे हैं खान के ओलिया ब्लॉग। तो मैं शादाब खान आज आप लोगों को लेके आया हूँ भांडू पेट चिंजी पाड़ा के इलाके में हजरत सैयद ख्वाजा सूफी मंसूरुल हसन शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में उर्से पाक मनाया जा रहा है। तो आज का क्या कैसा माहौल रहेगा मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस, तो वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन कॉल पे दबा दीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो माशाल्लाह सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। सो गाइस ये सब आप लोगों को देखने को मिलेगा मेरे वीडियो के अंदर, तो गाइस वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं आज का क्या कैसा माहौल है, किस तरह से हजरत की बारगाह में उर्से पाक मनाया जा रहा है। हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आप देख रहे हैं खान का ओलिया ब्लॉग। तो मैं शादाब खान आज आप लोगों को लेके जाने वाला हूँ भांडू की सरजमी पे हजरत सैयद ख्वाजा मंसूरुल हसन रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हजरत की बारगाह में आज उर्से पाक मनाया जा रहा है, तो आज हम लोग जाएंगे भांडू खिंजी पाड़ा। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं गोंडी स्टेशन, तो चलिए चलते हैं और देखते हैं आज का क्या कैसा माहौल है। तो वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं आज का क्या कैसा माहौल है। तो माशाल्लाह गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं भांडू की सरजमी पे हजरत सैयद सूफी ख्वाजा मंसूरुल हसन शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में। तो अभी मैं आप लोगों को बैक कैमरा घुमा करके दिखाता हूँ यहाँ का क्या कैसा माहौल है। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि यहाँ पे उर्से पाक मनाया जा रहा था, अच्छा क्या कैसा माहौल रहने वाला मैं आप लोगों को बताऊँगा, इस वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। तो माशाल्लाह गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं भांडू वेस्ट चिंजी पाड़ा के इलाके में। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि आज हजरत की बारगाह में उर्से पाक मनाया जा रहा है, तो क्या कैसा माहौल रहेगा मैं आप लोगों को बताऊंगा इस। तो वीडियो पे एंड तक बने रहेगा और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन कॉल पे दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। और अगर आप लोगों के भी इलाके में कोई दरगाह है या किसी दरगाह का उर्से पाक मनाया जा रहा है तो गाइस मुझे इस वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताइएगा, या तो आप लोग मुझे मेरी इंस्टा आईडी पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अज़ल मैं वहां पर भी आऊंगा और इसी तरीके की वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं आज का क्या कैसा माहौल है। तो वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। Yeah.
माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कितना खूबसूरत नज़ारा है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, अभी हज़रत की बारगाह में नात शरीफ पढ़ी जा रही है। अभी क्या कैसा माहौल रहेगा मैं आप लोगों को बताऊंगा, इस वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं आज का क्या कैसा माहौल है।
माशाल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सो गाइस आप लोग ज़ियारत कर रहे हैं हज़रत सैयद ख्वाजा सूफ़ी मंसूरुल हसन शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह की। जैसे कि आप लोगों ने देखे अभी वीडियो में कि हज़रत की बारगाह में उर्से पाक मनाया जा रहा है, तो आज क्या क्या प्रोग्राम होने वाले हैं मैं आप लोगों को बताऊँ गाइस अपनी वीडियो के ज़रिए से माशाल्लाह सुभान अल्लाह। तो ये हमारा पार्ट वन है और इंशाल्लाह अज़ वज़ल पार्ट टू भी हमारा बहुत जल्द आएगा। तो आप लोग ज़ियारत करिए हज़रत की बारगाह की, और आप लोगों की भी जो भी जायज़ तमन्नाएँ दिली मुरादें वह आप लोग हज़रत की बारगाह में अर्ज कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं आज का क्या कैसा माहौल है। तो वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा, और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन कॉल पे दबा दीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए ताकि आप लोगों की वजह से कोई और भी इस दरगाह की ज़ियारत का शर्फ हासिल कर सके। माशाल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मत करता हूँ तो आती है महकते बाकी मेरे लहजे को ये मैला नहीं होने देते इनका मंगता माशाल्लाह सुभान अल्लाह। सो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पार्ट वन काफ़ी पसंद आया होगा। तो ये हमारा पार्ट टू बहुत जल्द आएगा, तो पार्ट टू देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन कॉल पे दबा दीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पार्ट टू में मैं आप लोगों को कव्वाली का प्रोग्राम बताऊँगा किस तरह से मनाया गया और लंगर किस तरह से तकसीम किया गया लोगों को। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा अपने भाई को।